एक राजनीतिक पार्टी की कार्यकर्ता द्वारा दिल्ली के दाबड़ी इलाके में जिस तरीके से बच्ची के साथ में शोषण का मामला सामने आया है, उस मामले को लेकर अब कोर्ट के सामने इस पूरे चीज को उठाया गया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर अब पीड़िता को इंसाफ दिलाने की भी आवाज तेज की जा रही है। इसमें हम लोग पीड़िता के साथ में हैं और आज जो कोर्ट में हुआ इस बारे में डिटेल सीनियर एडवोकेट विनय शर्मा जी आपको बताएंगे। आज कोर्ट में कार्रवाई हुई थी। पुलिस ने एक अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की है, जिसमें पुलिस ने कहा है कि जो बच्ची है उसकी पर्सनल डिटेल्स को सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया था। उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने आज डायरेक्शन दी है कि जो भी लोग इस लीक करने में सोशल मीडिया पर और ट्विटर हैंडल पर जिन लोगों ने लीक किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उसमें एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। अब मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इस केस में पर्सनल डिटेल्स को लोग वायरल कर रहे थे, अब वो रुकेगी और मुझे उम्मीद है कि अब बच्ची को इंसाफ मिलने में हमें ज्यादा अच्छे से मदद मिलेगी। अब क्योंकि जो बच्ची है और उसका परिवार है उसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं दिल्ली महिला आयोग से भी इंटरव्यून करने की गुजारिश करता हूं कि स्वाति मालीवाल जी पर्सनली इस मैटर को देखें और उस बच्ची की आर्थिक मदद करने का बीड़ा उठाए। साथ ही साथ जो भी इसके अंदर दोषी हैं अगर वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से भी हटाया जाए, ये हमारी डिमांड है।